हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, पीनी स्टॉक में एक शानदार शेयर जो कि काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके पास ये शेयर है या नहीं। ये शेयर बासमती राइस बनाने का काम करता है और इनका आई लव राइस नाम से ब्रांड है। और ये कंपनी का मेन मार्केट साउथ इंडिया है, एक्सपोर्ट भी होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि गुजरात गवर्नमेंट के साथ में ये लोग इथेनॉल बनाने का प्लांट भी काम शुरू कर दिया है, जो कि आने वाले वन ईयर में शुरू हो जाएगा इनका प्रोडक्शन इथेनॉल का, जो कि फूड ग्रेन से बनाने वाली है ये इथेनॉल, ना कि शुगर से है। तो ये भी नए टेक्नोलॉजी के साथ में ये कंपनी बना रही है। और फ्रेंड्स, इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा आया है वो भी जानेंगे और अगले टारगेट क्या होगा वो भी जानेंगे। इसका आज का क्लोजिंग था 28 रुपीज़ 10 पैसा एंड 52 भी खाया था 39 रुपीज़। आज भी करीब करीब अपर सर्किट में ही क्लोज हुआ, 4.60% की तेज़ी देखने को मिली क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार आया है। इसका पी है 45 का, ईपीएस है 0.65 जो कि अच्छा है, आरओसीई इज 41% जो कि शानदार है एंड आरओई इज 44% वो भी एक्सेलेंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.75, तो डेट भी कंपनी पे कम है। प्रोमोटर होल्डिंग इज 49%, एफआईडीआई का होल्डिंग इसमें नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस कंपनी ने आज ही डिक्लेयर किया है बोनस का रेशियो 1:1 रेशियो से ये कंपनी बोनस देने वाली है शेयर होल्डर्स को। अभी इसका रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट नहीं डिक्लेयर हुआ है, बट कंपनी ने कहा है कि ये बोनस 2 महीने के अंदर आपके डिमैट अकाउंट में आ जाएंगे, मतलब करीब करीब 17 से 18 जून तक आपके डिमैट अकाउंट में इसके बोनस शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। इसका अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट की। तो मार्च 2021 में इसका प्रॉफिट था, कोई प्रॉफिट नहीं था ना ही लॉस था। दिसंबर 2021 में इसका प्रॉफिट था 8 करोड़ एंड अभी मार्च 2022 में इसका प्रॉफिट आया है 13 करोड़। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, ईयर ऑन ईयर तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और क्वार्टर क्वार्टर भी अच्छा जंप लगाया है कंपनी के प्रॉफिट ने। कंपनी का नाम है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। जी हाँ, मिष्ठान फूड्स लिमिटेड ये राइस, बासमती राइस और बाकी राइस पैकेजिंग का काम करती है, प्रोडक्शन का, और उसके अलावा ये इथेनॉल प्रोडक्शन का भी काम करने वाली है। और इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। देखिए, पिछले 4-5 क्वार्टर से कंपनी का रिजल्ट बढ़ते जा रहा है। उसके पहले के क्वार्टर में 3.50 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 8 करोड़ हुआ, अभी 13 करोड़ हो गया है और बोनस भी दे रही कंपनी। तो आने वाले दिनों में अच्छी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी मिष्ठान फूड्स में आपको। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप थोड़े थोड़े शेयर्स एक्यूमुलेट करके रखिए। मार्केट चला तो ये शेयर आपको 40 से 45 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से आप ऐड कर सकते हैं इस शेयर को, जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि इनका जब इथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू होगा तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट मल्टीपल लेवल पर बढ़ जाएगा। तो वो हिसाब से भी इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं, जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अभी मार्केट में गिरावट है तो अभी मौका है आपको बाय करने का, तो थोड़ा थोड़ा शेयर्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जब गिरा था तो ये शेयर 24 रुपीज़ तक गया था और मार्केट चला तो फिर से 28 रुपीज़ तक पहुंच गया। तो इसमें करीब करीब 20 से 25% का हमें रिकवरी देखने को मिल गया बहुत ही शॉर्ट टाइम में। इसीलिए मार्केट चलेगा तो ये शेयर आपको 40 से 45 रुपीज़ के लेवल पर दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से आप ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि बोनस भी डिक्लेयर हुआ है प्लस कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी शानदार आया है। तो इस कंपनी के बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं।